जो होया मुरली जाओ सत्य सुने आरे सोना मंगाया सोने की बंछड़ी बनाई सत्य सुने आरे सोना मंगाया सोने की बंछड़ी बनाई। उस पहाड़ को देखो, इतना डरावना लग रहा है। ये वो गांव है, लोअर कुकती है। ये दो कुकती हैं, लोअर कुकती, अपर कुकती ऊपर है। तो गाइस देखो कितने प्यारे ये घर हैं, चेक करो, चेक दिस ब्यूटी। बहुत ही अच्छे ये घर और साथ में बहुत ही अच्छा वाटरफॉल टाइप। तो अब हम निकल रहे हैं कार्तिक स्वामी टेंपल की तरफ। तो ये गांव से कम 4-5 किलोमीटर है। तो ये वाला विलेज है कुप्ती विलेज। तो बहुत ही खूबसूरत ये गांव है और अब हम जाएंगे कार्तिक स्वामी टेंपल, जो कि गांव से 4 किलोमीटर तो होगा। और कुप्ती विलेज की खासियत ये भी है कि यहाँ को मतलब ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, मतलब यहाँ पे वाइल्ड स्पीशीज होती हैं। तो चलिए आपको दिखाएंगे, ब्लॉग में बने रहो। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे। एक बात और बता दूं, यहाँ से मणिमहेश को भी जाते हैं, मतलब परिक्रमा करते हुए, मतलब कुकती से ही रास्ता जाता है मणिमहेश को, मतलब यहाँ से जाते हैं और परिक्रमा करते हुए कैलाश के पीछे से निकलते हैं। तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ, वो जो रास्ता जा रहा है ये मणिमहेश को जा रहा है, मतलब मणिमहेश कैलाश पर्वत के पीछे से निकलेंगे लोग, मतलब सीधा मणिमहेश डल झील पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से परिक्रमा करते हुए लोग कैलाश के पीछे से निकलते हुए मणिमहेश पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ से रास्ता जाता है वो, तो बहुत मज़ा आता है। मतलब ऐसे ऐसे अनसीन व्यूज़ होते हैं कि क्या ही बोले दोस्तों। तो चलिए गांव वाले इतने दूर दूर से घास लाते हैं, आप देख सकते हो। चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरे साथी तो मेरे को छोड़ के जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं वो, पर मैं अकेला अकेला ही चलाऊँ ब्लॉग बनाते बनाते। तो होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं मंदिर में। चढ़ते चढ़ते ये मिला, तो यहाँ पे सभी ने पत्थर रखे हैं, तो हम भी एक पत्थर रख देते हैं, शायद हमारी भी विश पूरी हो जाएगी। तो अभी तो बहुत दूर जाना है। गाइस वी आर स्पॉटेड हो गए हैं, वो देखो बैग वाले भाई हमें छोड़ के जा रहे हो, रुको तुम, बहुत दूर है यार ये। आपको पीछे स्नो दिखाते हैं, वो देखो स्नो, बहुत स्नो पड़ चुकी है। ओए साधे का। और मौसम तो बहुत ही साफ है आज, अगर बारिश होती तो बहुत ठंड होती। तो चलिए हम फाइनली वहाँ से पहुँच गए जहाँ से मंदिर थोड़ा थोड़ा दिखने लग पड़ता है। हम पहुँच गए हैं, वो जो है वहाँ पे मंदिर है। तो बस हमें अब ये जाना है और वहाँ से चढ़ना है थोड़ा सा, बस ऊपर मंदिर में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे हम ड्रोन कैमरा उड़ाएंगे। तो गाइस प्लीज़ यार, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब 80% लोग हैं जो हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं और उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। तो नॉन सब्सक्राइब्ड जो लोग हैं बहुत हमारे ब्लॉग्स को देखते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती है, अगर आप हमारे ब्लॉग देखते हो तो चैनल सब्सक्राइब करने में कौन सी दिक्कत है आपको। तो होप सो आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं आगे। रिसेंटली जिस ट्रैक पे गया था वहाँ पे तो बहुत ठंड थी, मतलब 4-5 बजे ही इतनी ठंड हो गई थी वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा वेदर गर्म टाइप ही है, ठंड नहीं लग रही है, मैंने अभी तक जैकेट नहीं पहनी है। तो शायद शाम को तो बहुत ठंड होगी यहाँ पे। तो मिलते हैं आगे। तो पानी है, मतलब जो हिल्स में बर्फ पिघलती है उसका पानी आता है। हमें यहाँ से होते हुए जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ के सीधा मंदिर में पहुँच जाएंगे। पुल और
और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू। तो गाइज हम वहाँ से आए हैं, वहाँ से जैसे देख रहे हो रास्ता कैसा है स्नेक की तरह। तो यहाँ से होते हुए यहाँ तो बस थोड़ा सा दूर बचा है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड लगने लगी है क्योंकि अब हम बिल्कुल टॉप में पहुंच गए हैं और अब मंदिर भी थोड़ा सा दूर रहा है। ये रहा है मंदिर, थोड़ा सा दूर रहा है। बाकी मिलते हैं मंदिर में, आज शायद हम यहाँ पर ही रहेंगे। वो रहा सामने मंदिर और ऊपर माता का मंदिर है। तो चलिए मिलते हैं मंदिर में। सामने थोड़ी सी धूप निकली है आप देख सकते हो, और ये सारे जंगल कितने खूबसूरत दिख रहे हैं और इन हिल्स के साथ। टेम्पल का और यहाँ पे काफ़ी जगराते होते रहते हैं, इसलिए मतलब काफ़ी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये मंदिर है और माता का टेम्पल ऊपर है। उधर थोड़ा सा ऊपर हाइक करके जाना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो सामने देख रहे हो वहाँ पे स्नो भी है, देख रहे हो कितना। ये कार्तिक स्वामी का मेन टेम्पल है तो आप दर्शन कर सकते हो। कहाँ से आए हो? धर्मशाला। धर्मकोट। गाइस हमने नीचे मंदिर में पूजा कर लिया, अब हमें ऊपर माता के मंदिर में करने पड़ेगी। और यहाँ से 100 मीटर है तो पूजा करते हैं, मिलते हैं ऊपर। गाइस हमें गद्दी कुत्ता मिला। तो गाइस माता रानी के टेंपल में पहुंच गए हैं। गाइस ये माता का मंदिर है और यहाँ से लाहौल स्पीति को भी रास्ता जाता है। यहाँ से एक दिन में लाहौल स्पीति पहुंच जाते हैं। और सामने देख रहे हो ये अभी फ्रेश स्नोफॉल है और वो जो हील्स हैं ये कैलाश की हील्स हैं। तो चलिए हम मिलते हैं मंदिर में। तो गाइस ये है माता रानी का मंदिर जो कि कार्तिक स्वामी टेंपल से 100 मीटर की दूरी पे है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर ये मंदिर है। तो गाइस मंदिर में आ चुके हैं और आज का स्टे होने वाला है मंदिर में। तो ये धर्मशाला है और साथ में ये मंदिर है। यहाँ पे थोड़ी देर में आरती होगी और हम आरती करेंगे और रात को यहाँ पर ही रहेंगे और कल सुबह घर को निकलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, मिलते हैं आगे। गाइस सुबह के बज चुके हैं 6 और अब हमने मंदिर में पूजा कर ली है, ऊपर माता के मंदिर में भी पूजा कर ली है। तो अब यहाँ से हम थोड़ी देर में घर को निकलेंगे और हो सके तो यहाँ के पुजारी से यहाँ के मंदिर के बारे में मतलब हिस्ट्री वगैरह आपको बताएंगे। तो आज का कुछ ये था ब्लॉग और मंदिर के बारे में हमने आपको सब कुछ बताया। अगर होप सो आप मेरे ब्लॉग से अगर जब भी भरमौर आओ तो यहाँ इस टेम्पल को ज़रूर आना क्योंकि बहुत ही सुंदर ये टेम्पल है।
और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है। ये आप पीछे देख सकते हो कितनी सुंदर ये वैली है। अब हम पुजारी जी से यहाँ के मंदिर के बारे में पूछेंगे और यहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो पुजारी जी कैसे हो? अच्छा हो। तो थोड़ा बहुत हमें मंदिर के बारे में बताओ। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है। अच्छा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि कई सदियों पहले यहाँ से काफी ऊपर हुआ करता था मंदिर। अच्छा। यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर ऊपर। यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर है। हाँ जी। सी बिहारी नाम जगह है। हाँ जी। वहाँ पर हुआ करता था। अच्छा। फिर लोग नहीं पहुँच सकते थे उधर। अच्छा। फिर लोगों ने मिन्नत की थी कार्तिक स्वामी जी से। अच्छा। कि भगवान हम नहीं पहुँच सकते इतने दूर। अच्छा। थोड़ा नजदीक आ जाओ। फिर वहाँ से एक बाणा गिराया। बाणा होता है इनके, एक कुट्टी की थाली होती है। अच्छा। उस तरह का बाणा होता है। अच्छा। फिर कार्तिक स्वामी जी ने बोला जहाँ पर मेरा ये बाणा टिकेगा वहाँ पर मेरा मंदिर बना देना। अच्छा। फिर तो वो इतने ऊपर से फेंका। हाँ जी। अच्छा। फिर यहाँ पर आके टिका। अच्छा। अब फिर यहाँ मंदिर बनाया है, यहाँ मूर्ति। हम आपको थोड़ा सा अंदर बताते हैं मंदिर के बारे में। और चलिए, ये मंदिर है तो आइए पुजारी जी से पूछते हैं मंदिर के। जो बीच में मूर्ति है ये प्राचीन मूर्ति है। जब यहाँ मंदिर का काम शुरू हुआ था। अच्छा। तब ये मूर्तियाँ निकली थी। अच्छा। तब इस ये प्राचीन मूर्ति, यही प्राचीन मूर्ति यही है। अच्छा। और यहाँ पे मतलब मंदिर कपाट कब बंद होता है? ये कपाट 30 नवंबर को बंद होगी। अच्छा, 30 नवंबर को ये मंदिर बंद हो जाएगा। 15 तारीख को। हाँ जी। और अंग्रेजी 30 नवंबर। और खुलेगा कब? 13 अप्रैल को, बैसाखी वाले दिन। तब तक ये मंदिर बंद रहता है। और यहाँ पे बर्फ कितनी पड़ जाती है? बर्फ मौसम के हिसाब से पड़ती है। वैसे कई बार 10-12 फुट पड़ जाती है, कई बार 2-4 फुट पड़ती है। तो दिसंबर में तो कहाँ कोई नहीं आता होगा? कोई नहीं आता। जब कपाट बंद हो जाएगा उसके बाद कोई भी नहीं आएगा यहाँ पर। हाँ, फिर खुलेगा जब, फिर तब सभी आते हैं। अभी बहुत बहुत सारे से। तो ये है कार्तिक स्वामी टेम्पल, चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। तो बहुत अच्छा लगा पुजारी जी से बात करके मंदिर के बारे में जानकर। तो ये मेन गेट है कार्तिक स्वामी टेम्पल का। तो अगर आप कार्तिक स्वामी टेम्पल आते हो तो ये शॉप्स हैं। ये भाई, क्या नाम है भाई आपका? कार्तिक। तो भाई का नाम कार्तिक। अगर आप जब भी कार्तिक स्वामी टेम्पल आते हो तो भाई के शॉप में ज़रूर विजिट करना, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं ये। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाई। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे इस ट्रैक पे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कुछ ऐसे नए ब्लॉग के साथ।